सीओ साहब चलो बसे इधर उधर ही ये भी है डिपार्टमेंट के लोगों को आंदो भाई सामने क्यों व्यापार में उधर चले गए तो सुने लेटर अरे कुछ दिन तो ये इम्पोर्टेंट है ना 2-3 लाख लोग नमाज पढ़ते हैं टीवी टीवी रिगार्डिंग दिस ईद के सिलसिले में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से रेक्टिफाई करा के और जो ट्रांसफार्मर के हैं वो पूरे मेंटेनेंस भी कराएंगे और ये जो लोग ज्यादा लोग आने मुसलियों को नए पूरा बात रूपरे से लेके इधर आगे अपना शास्त्रीपुरम से लेके पूरा जो है पुलिस का भी इंतजाम रहता है ट्रैफिक का भी रहता है इंशाल्लाह ताला किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आराम से आके नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि पुलिस भी जो है ना फुल तरीके से पूरा मेहनत करती है काम करते है पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है हमारी तेलंगाना स्टेट की इंडिया में कहीं भी नहीं है यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में हमारी पुलिस भी अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट के साथ शुक्रिया बोलिए माइक की जरूरत है जी साहब लाउडली आज हर साल की तरह इस साल भी जो है इंतजाम अच्छे से अच्छे करेंगे बकरीद में क्योंकि पानी की रेन वाटर की तरफ से जो है ना थोड़ा वाटर प्रूफिंग भी हम करा रहे हैं शामियाने अंदर क्योंकि मुसल्लियों को तकलीफ नहीं होना बल्कि और दूसरी बात यह है कि बारिश का तो आप लोगों को मालूम है उसकी वजह से हम लोग जो है जहाँ तक हो सकता हम लोग वाटर प्रूफिंग कराने की कोशिश
कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जैसा हर साल की तरह इस साल भी जो है जैसा रमजान में हुआ हर साल करते हुए आ रहे हैं वैसा उसी तरीके से वक्फ की तरफ से भी जो है पूरी तरीके से जो काम कराना है बराबर हमारा स्टाफ भी अपॉइंट करें यहाँ पर हमारे मुबीन साहब और हमारे सीओ साहब और हमारे गफ्फार साहब कारपोरेटर साहब और हमारे पूरे डिपार्टमेंट के उदेदारन पर ये सब लोग मिलके इलेक्ट्रिक पुलिस ट्रैफिक फायर और हमारे मेट्रो वाटर वर्क्स ये सब लोग मिलके एक टीम वर्क करके जो है मुसल्लियों को तकलीफ नहीं होना ईद की नमाज के लिए जो भी आ रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल खुशी और खुर्रम जो है ईद मनाने के लिए जो है हम लोग अल्लाह से दुआ है कि जो है ना आप लोग भी जो है दुआ करिए कि हमारे आलम इस्लाम में जो है पूरे हिंदुस्तान में हमारे अच्छे से अच्छे जो है अमन रहे और सब लोग खुश रहे और खुशी के साथ ईद मनाए और हमारे सीएम साहब भी जो है सेकुलर है सेकुलर सीएम है क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब त्योहार में लोग खुश होते हैं और उसी तरीके से ये त्योहार में भी हमारे बकरीद ईद उज़ुहा के मौके पे सीएम साहब जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफिसरों को भी देते हैं हर जगह मस्जिदों में ईदगाहों में पूरे तेलंगाना स्टेट में सब जगह जो है ना अच्छे इंतजाम होते हैं ईद के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे वक्फ बोर्ड से भी डायरेक्ट रुजू हो सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे से जो हो सकता हम लोग भी करेंगे क्योंकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे असद साहब अकबर साहब सब मिलकर एक टीम वर्क करके जो है ना कुछ भी माइनॉरिटी के कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये लोग सब मिलकर जो है यूनाइटेडली जो है ना मिलकर काम करते हैं और इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम हमारे हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में कुछ नहीं है इंशाल्लाह ईद उज़ुहा जो है खुशी खुर्रम से मनाई जाएगी और 8:30 बजे सैफ अल्लाह रहमानी साहब जो है बयान करेंगे 8:30 से 9 बजे तक और 9:30 बजे से 9:30 तक जाफर पाशा बयान करेंगे और 9:30 बजे जो है रिजवान कुरैशी साहब ईद उज़ुहा के नमाज पढ़ाएंगे ईद की नमाज दाना मार्च तक पूरा क्लियर करेंगे डाइवर्शन पॉइंट्स रहते दाना मार्च के डाइवर्शन पॉइंट्स और बहादुरपुरा जंक्शन में डाइवर्शन और या ताड़बंदर में डाइवर्शन दो डाइवर्शन रहते पार्किंग प्लेसेस एक जू पार्क में रहते एज यूजल रमजान बंदोबस्त कैसे करे वैसे जू पार्क में पार्किंग रहते वो पहली पार्किंग है एंड फर्स्ट टाइम और निकले सेकंड टाइम है पुराना अगले टाइम में वो पार्किंग नहीं यूज करे अब ये पार्किंग भी यूज कर लिए तो ये आने तक यहाँ को आने तक भी जरूरत नहीं पड़ता खाली पैदल आए तो आपको भी अच्छा रहता प्रेयर करने वाले की डिस्टर्बेंस भी नहीं होता मैं सब सब हमारा दोस्तों को सबको हमारा पब्लिक को अपील कर रहे हैं प्लीज कोऑपरेट विद द ट्रैफिक पुलिस एंड एंजॉय द फेस्टिवल थैंक यू वेरी मच।